अ स्वीट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यार इतनी स्वीटली गुड इवनिंग कर रही हूँ, रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम सृष्टि है और मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है सभी के पास, एक बिल्कुल छोटी सी स्टोरी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ और वो रियल स्टोरी है नेटवर्क मार्केटिंग की। एक बार एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड थे, तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि यार चल तेरे को कहीं घुमाने लेके चलता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, गर्लफ्रेंड पूछती है कि कहाँ लेके जाएगा, तो बॉयफ्रेंड का रिप्लाई आता है तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, मैं जहाँ भी लेके जाऊंगा अच्छी जगह होगी। तो बोलती है कि ठीक है। अब वो दोनों चले एक ऐसे ही प्रोग्राम में, लेके अपनी गर्लफ्रेंड को उसने बैठा दिया और पूरा प्रोग्राम आराम से सीट पे बैठ के देखा, आराम से खाना खाया और घर की तरफ रवाना हो गई। तो बॉयफ्रेंड पूछता है कि कैसा लगा प्रोग्राम, तो गर्लफ्रेंड बोलती है यार प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, सारी चीजें सही थी, लेकिन कुछ ना बातें ऐसी थी जो बकवास कर रहे थे। बोले तेरे को क्या बकवास लगी? तो वो लड़की बोलती है कि कोई भी चढ़ रहा है स्टेज पे बोल रहा है मेरी तो कैंसर ठीक हो गई, मेरी तो शुगर ठीक हो गई। मतलब ऐसे ही हॉस्पिटल्स बने हुए हैं क्या? तुम तो सभी की इतनी बीमारियां ठीक कर दोगे, तुम तो हॉस्पिटल बंद करवा दोगे। अब ऑब्वियस ही बात है, ये बातें आप सभी ने किसी ना किसी से सुनी होंगी और ये बात बोलने वाली वो लड़की मैं हूं जो और जिस स्टेज को मैं झूठी बोल रही थी, आज उसी स्टेज ने मेरे को यहां से 35 लाख रुपए कमा के दिए हैं। और जिस बॉयफ्रेंड को मैं ये बोल रही थी कि बकवास बातें सुना के लाए हो, आज वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में खड़े हैं। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं ना, आप सभी से सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं, प्लीज इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सभी को, अपनी माँ को, अपनी बहू को भी, अपनी बेटी को भी, हर एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी जरूर दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा उस पिता परमात्मा का और सभी गुरुजनों का और अपने माता पिता का जो ये लाइफ दी। दोस्तों नाम रामवीर मोर, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, टाइम एक ही मिनट का है, ज्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है। दोस्तों मैं मेरे परिवार में सबसे छोटा हूं, हम 5 भाई बहन हैं। बचपन से ही बिगड़ेल था और बचपन से ही धीरे 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 सारी जो मैंने मांग की सारी पूरी होती गई और धीरे धीरे मैं गलत संगत में चला गया था। और गुरुजी ने जो बताया, मेरे गुरुजी जो बताते हैं कुलदीप गुरुजी, किस बिजनेस के पीछे क्या होना चाहिए, पागल होना चाहिए। तो मैं मेरे बारे में बताना चाहूं, जिस टाइम पे मेरे गुरुजी ने मेरी आईडी लगाई, मेरे गुरुजी मेरी आईडी पता कहां से लेके आए थे, मेरे को 2 साल हो चुके थे, मैं हिसार सेंटर जेल में बंद था, मेरे को ऊपर के मैं पता अभी बताया कि मैं बिगड़ेल बच्चा था, मैं अंदर चला गया था और मेरे को 2 साल हो चुके थे। गुरुजी वहां भी पहुंच गए, मेरे मुलाकात करके वहां से एक ही बात बोली कि जिस दिन बाहर निकलेगा तेरे को बिजनेस सेट मिलेगा, बस एक बार डॉक्यूमेंट्स दे दे। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, यदि पागल बनो तो इतने पागल बनो को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, सिर्फ AWPL और AWPL। आप भी एक दिन काउंट, अब क्राउन डायमंड 100% बनोगे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।